हेलो दोस्तों, मैं हूँ माधुरी परियार आपके साथ मकई की खेती में विद मम्मा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम आपके लिए लाए हैं गोलभिया का अचार और उसमें मिक्स करके तिल का अचार। आज हम तिल का अचार बना रहे हैं, मूंग की दाल, मसूर की दाल भात और उसके साथ तिल का अचार। ये है तिल को हमने पहले भून लिया है तवे में, और फिर ये है गोलभिया, इसको गोलभिया बोलते हैं। छोटे से टोमेटो होते हैं, छोटे से इतने से गोलभिया, और इसका स्वाद खट्टा रहता है। खट्टा अभी हमारा जो टोमेटो होता है उसका खट्टा नहीं रहता है इतना, उसका खट्टा रहता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो अभी इसको ऐसे भून लेने का मतलब, या फिर आप इसको बॉईल भी कर सकते हैं, चूल्हे में भून भी सकते हैं, ऐसे भी भून सकते हैं तवे पर। इसे भून लेने का उसके बाद, और फिर से तो दोस्तों ये रहा, यहाँ पर इसे सिलोटो कहते हैं, इसमें अचार पीसेंगे हम। तो पीसेंगे इसमें हम पीसेंगे अचार। देखो मधु ने ले लिए थोड़े से मिर्च, यदि हम इसमें रेड चिल्ली भी डालें तो भी अच्छा होता है, थोड़ा सा नमक। और ये देखो, ये इससे पीसने वाले, इससे पीसने वाले, तो इसे क्या कहते हैं आप, मुझे इसे, आप इसे क्या कहते हो इसे आप कमेंट करके जरूर बताना। थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा ताने, बंद कर दी गैस। मधु ने अभी उधर गैस बंद कर दिया, इधर मधु दाल बना रही थी, तो इसे हम इसे पीस लेंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें थोड़ा डालेंगे हम तिल और थोड़ा गोलभिया, टाइनी टाइनी होते हैं टोमेटोज, बहुत ही टेस्टी होता है। दोस्तों मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए मैं अच्छे से रोस्ट नहीं कर पा रही हूँ। और ये जलने जा रहा है तिल, रंग दिखा भैया, मसाला ये बना रहे हैं मधु। आज तिल थोड़ी जल्दी है, इतना डार्क नहीं बनाना है, तिल को ज्यादा डार्क नहीं करना है, थोड़ा सा रेड रेड होता है ना, गोल्डन रेड, सभी मजा आएंगे। ये रहा बना हुआ गोलभिया, इस तरह से भून लेना है, वो थोड़ा सा फूट गए, डालने के बाद इसे इसमें मिलाना है, बहुत ही बढ़िया आ रही है।
देखो दोस्तों, मधु ने बना लिया है। आज हमारे घर पर बना हुआ है दाल भात, मसूर की दाल भात और तिल का अचार। तो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने मधु को दाल भात बनाने के लिए बोला था। बहुत ही खाने को मन कर रहा था दाल भात। और मेरी तबीयत कल से थोड़ी खराब हो गई थी, अभी मैंने मेडिसिन ली है। मेडिसिन लेकर मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो मैं अभी बैठी हुई हूँ, वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कर पा रही हूँ। इस दौरान माधुरी ने मुझे बहुत ही मेरी बहुत ही सेवा की है और उसने दाल भात बनाया मेरे लिए। देखिए दोस्तों, आज हम मकई है जो वो तोड़ने वाले हैं। अभी वो मकई सब पक गए ना, तो अभी निकाल लेंगे उसको। निकाल कर उस दिन हमने पिछली वीडियो में दिखाया वैसे करके सुखा देना है, तो इसलिए अब हम जा रहे हैं मकई तोड़ने के लिए। तो चलिए हमारे साथ, आपको मैं दिखाती हूँ कैसे करते हैं। ये सब मकई है जो पक गई है, ये सब हमारी है, ये सामने वाली। तो अभी हम चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं जा रही हूँ मकई तोड़ने, अभी आपको दिखाऊंगी कैसे तोड़ते हैं। अभी ऐसा है ना, मैं शर्ट पहना है मैंने, क्योंकि जो मकई का ये जो है ना, ये साइड, ये इससे शरीर खराब हो जाता है, खुजली आती है, तो इसलिए शर्ट पहन लिया और सर भी प्रिजर्व अच्छे से ढक लिया है। यहाँ भाई भी मकई तोड़ रहा है। से हेलो, हाय करो। ठीक है भाई, ठीक। यहाँ हमारी मकई इधर है, तो आपको मैं दिखाना चाहूंगी एग्जैक्टली ये होता कैसा है, मतलब कहाँ है सूखा हुआ मकई। ये जो है ये पूरा पीला हो चुका है, पहले ग्रीन होता है फिर उसके बाद ये पक जाता है तो पीला होता है। तो इसे हम कैसे तोड़ेंगे, ऐसे, और डाल देंगे, रख देंगे। भाभी जी उठा कर लेकर जा रहे हैं। वैसे ऐसा है ना, ये चश्मा कहीं पर नहीं छूटता है, क्योंकि इससे थोड़ा एचडी दिखता है, इसलिए पहन के रखा है। और मकई के इसमें है हमारे साथ और एक लगाया है, ये इसको क्या बोलते हैं हमारे यहाँ पर, तो बोरी कहते हैं, बोरी। आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, आप इसे क्या कहते हैं घर पर, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो दोस्तों देखिए, पहले मकई को ऐसे निकालते हैं, मम्मी जी निकाल रही है, ऐसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, और उसके बाद सभी एक जगह पर इकट्ठा करते हैं, और सब इकट्ठा कर होने के बाद इसको ले जाकर उस डोगो में डालते हैं। डोगा, डोगा बोल सुनिए मम्मी, क्या बोलते हैं, डोगा बोलते हैं कि डोगो बोलते हैं, डोगी, डोगा बोलते हैं। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं था, डोगा ही बोलते हैं, नहीं तो डोगी बोलते हैं। एक्चुअली मैं भी नई हूं ना, तो इसलिए अभी इतना पता नहीं है। तो मम्मी जी निकाल रही है। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है मैडम, आपको कैसा लग रहा है मकई तोड़ते हुए? अरे आपको नहीं दिखा रही हूँ मैं, मकई को दिखा रही है, बोलिए ना। काम कर रहे, मम्मी जी बोल रही है मुझे मत दिखाओ। अभी हम चलते हैं भाभी जी के पास।
इसे ये जो हम तोड़ तोड़ के रखते हैं तो ऐसे एक जगह पर इकट्ठा करके रखने का है। उसके बाद हम उठाकर इसे ऐसे इसमें डालते हैं। इसे हम डोगो कहते हैं, यहाँ पर डोगो कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता। अभी अपने अपने जगह पर हर एक अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम रहता है, तो इसलिए इसे इधर डोगो कहते हैं, नेपाल में डोगो कहते हैं। और इसे ऐसे इस रस्सी से लिपट के सर पर रखना होता है और लेकर जाते हैं सर पर रखकर। तो वो भी आपको दिखाऊंगी, मेरी भाभी जी कर रही है। तो दोस्तों आज आपकी होस्ट बहुत ही बुरी तरीके से बीमार हो चुकी है, मतलब उनको क्या कहते हैं बुखार हो गया है और सर्दी भी हो चुकी है, तो इसलिए आज मैं होस्ट करूंगी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ माधुरी परियार आपके साथ मकई की खेती में विद मम्मा। मम्मी जी भी कर रही काम, मैं एक्चुअली मैंने भी काम किया था, तो अभी मैं वीडियो बना रही हूँ थोड़ा सा। देखिए ना सब तरफ मकई 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 मकई, इंटरेस्टिंग है लाइफ। नेचुरल है, बहुत ही अच्छा है, मतलब मुझे तो बहुत ही खुशी लग रही है ऐसे सब काम करने के लिए। अभी यहाँ तक आधा खेत तो हमने निकाल लिया है, अभी और भी आधा है, तो हम अभी आगे बढ़ेंगे, आगे का आपको दिखाऊंगी कैसे करते हैं। दोस्तों मैंने आपको कहा था एक इसके किस तरीके से इसको उठाया जाता है, तो पहले इस डोरी को ऐसे घुमा कर रखना है, इसको बोलते हैं बरियो, और ऐसे सर पर रखना है। तो हाँ ऐसे होता है, ऐसे उठाकर इतना सारा भारी लोड अपने सर पर उठाकर जाना होता है। हाँ मेरी भाभी जी बहुत ही मजबूत है, अरे अरे अच्छे से जाना। तो इसे हम ले जाकर कहाँ रखते हैं, घर पर रखेंगे। तो चलिए, तो हमने ये डोगा भर लिया है, तो इसमें मकई डाल के अभी हम इसे खाली करने जा रहे हैं घर पर। तो यहाँ पर भी मेरे भाई लोग कर रहे हैं, ये मेरा मामी इधर, मेरा मामा का खेत है इधर, और इधर हमारा है, तो हम अभी घर पर खाली करने जा रहे हैं। और इधर हमारी सब्जी की खेती है, सब्जियां भी है बहुत सारे। तो इसे ऐसे ले जाकर अंदर रखना है, तो मैं इधर डोर ओपन करती हूँ। ऐसे डालते हैं, बहुत ही हेवी होता है। बताइए कुछ भाभी जी इसके बारे में। बोलिए कैसा हुआ आज का दिन, कैसा लगा आपको ये काम करके, कैसा लगा आपको ये काम करके? मुझे थकाई लगी। बहुत थकाई लगी ना, मुझे भी बहुत थकान महसूस हो रही। मकई को खोलकर ऐसे रखा जाता है, ऐसे खोल के ऐसे बांध कर रखा जाता है, मतलब ज्यादा दिन तक प्रिजर्व कर सके हम इसे, इसे कीड़े ना लगे। पर इसे पहले ही कीड़ा लग चुका है, ये तो साइड में रखा हुआ है, तो इसलिए आपको डेमो दिखा दिए। तो हाय सबीन, हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन एंड यू? आई एम आल्सो फाइन बेबी। चलो वापस काम में लगते है। हमारे मुर्गियां भी देखना चाहते हैं आप। हाय स्वीटी, हाय, कैसे हो आप लोग? और नीचे वाले भी है, हेलो, हाय हाय बड़ी। डर रहे हैं वो लोग। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज हमने बहुत सारा काम किया, आपकी होस्ट आज बीमार थी इसलिए वो नहीं आ सकी, तो आज मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया, तो आप ये देख लीजिए कैसा लगा आपको। तो ठीक है, कल मिलते हैं फिर से नए वीडियो में और नए अंदाज में। ओके मिलते हैं। और हाँ, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक सब वीडियो को, तो देखिए आपको जरूर पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और हमारे चैनल में अगर आप न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं, बाय बाय, कल मिलते हैं। बाय भाभी जी, हाँ बाय। ये सुनीता परियार आज बीमार है,
तो इसलिए हम इसको अस्पताल लेके जा रहे हैं। तो देखिए क्या हो रहा है सुनीता जी, आपको वीकनेस ही हो रही है मुझे और सर दर्द कर रहा है, पैरों में ताकत नहीं है। अच्छा, और ठीक नहीं लग रहा। अच्छा ठीक है, तो तो हम लोग जा रहे हैं अस्पताल, अभी कुछ ही देर में दूरी में है अस्पताल, जाके अभी चेक करते हैं और इंजेक्शन लेके आते हैं, देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं। इसलिए आज का ब्लॉग जर थोड़ा सा लेट हो सकता है। तो दोस्तों मैं अभी हॉस्पिटल से आ गई हूँ, अभी मुझे ठीक लग रहा है, आई एम ओके नाउ। तो ये देखो मैंने मेडिसिन लाई है और जीवन जल भी है इसमें, और मैंने अभी एक पैकेट जीवन जल बनाया है। ओआरएस, तो ये जीवन जल खत्म हो रहा है मेरा। हम इसे जीवन जल कहते हैं तो इसे ओआरएस कहते हैं, और अभी मैंने मेडिसिन ले ली है, अभी मुझे ठीक लग रहा है। और आपने देखा था मैं हॉस्पिटल जा रही थी तभी मुझे बहुत ही सर दर्द हो रहा था, बहुत ही दर्द हो रहा था सर, पैरों में भी बहुत ऐसे ताकत नहीं थी। तो अभी मुझे ठीक लग रहा है, गर्मी हो रही थी तो मेडिसिन वगैरह लिया था मैंने, इंजेक्शन लिया था तो मुझे गर्मी हो रही थी, मैंने स्वेटर निकाल लिया है। और अभी मैं आपकी होस्ट ठीक हूँ, आप सबके प्यार की वजह से ऐसे मेरे वीडियोस देखते रहिए। आज मैंने वीडियो नहीं बनाया, मैं होस्ट नहीं कर पाई आज मेरा वीडियो, मधु मेरी सिस्टर ने होस्ट किया है। प्लीज हमें हमारे वीडियोस लाइक करते रहना, हमारे वीडियो यदि आपको पसंद आते तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना। कल मैं अब तो ठीक हो गई हूँ, तो कल नए अंदाज में नए जोश में आऊंगी आपके साथ फिर से एक नया वीडियो लेके। अभी के लिए बाय। I'm walking alone.